आखिर मेहुल निश्चय करता है कि जंगल में जाकर कुछ आराम और रोमांस का आनंद लिया जाए। उत्तरी जंगल की ओर जाना शुरू करता है। वह जंगल में एक जगह पहुंचता है जहां सूर्यास्त का नज़ारा बहुत सुंदर था। वहां उसे नज़र दिशा की ओर जाने वाली दिशा सूचक बोर्ड नज़र आता है। क्या उत्तर की ओर दिखा रहा दिशा सूचक बोर्ड सही दिखा रहा है? तो आंसर है हाँ, सही है। दिशा सूचक बोर्ड सही है क्योंकि अभी मेहुल पश्चिम की ओर देख रहा है। उसे सूर्यास्त साफ नज़र आ रहा है। उस हिसाब से बोर्ड सही है। अगर आप पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े रहोगे तो उत्तर आपकी दाईं तरफ ही होगा। लॉस एंजलिस शहर में पिछले 3 दिनों से जोरदार बारिश हो रही थी। तीसरे दिन मेहुल को कॉल आता है कि ओलिविया की हत्या हो गई है। मेहुल घटनास्थल पर मामले की जाँच करने के लिए पहुँचता है। मैड, मैं तो ओलिविया के पुत्र की देखभाल कर रही थी, मुझे कुछ पता नहीं है। उसका भाई, मैं तो दिन भर बीच पर था, मुझे कुछ पता नहीं है। पति, मैं ऑफिस में था, अगर आप चाहें तो ऑफिस में कॉल करके पूछ सकते हैं सर। क्या आप बता सकते हैं ओलिविया का खूनी कौन है? तो ओलिविया का खूनी उसका भाई है। ओलिविया का भाई का कहना है कि वह दिन भर बीच पर था, परंतु उस दिन तो जोरदार बारिश हो रही थी, तो वह बीच पर कैसे हो सकता है? वो बीच पर गई ही नहीं था, हत्या उसी ने किया है। एक नवविवाहित इंस्पेक्टर जेम्स के पास आती है और कहती है उसके पति की हत्या हो गई है। वह जेम्स को बताती है कि आज के उनका विवाह हुआ था। शादी के तुरंत बाद हम अपने हनीमून के लिए जंगल में चले गए थे। हम लोग सफ़र का बहुत आनंद ले रहे थे। जंगल के अंदर हमारी कार कीचड़ में फंस गई थी। हम लोग उस कीचड़ से निकालने में सफल नहीं हुए। मैंने आसपास के लिए देखना शुरू किया, परंतु मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैं जब कार के पास आई तो मुझे मेरे पति का मृत अवस्था में मिला। मैं तुरंत आपको रिपोर्ट करने वापस यहाँ आ गई। क्या दुल्हन जेम्स से झूठ बोल रही है? हाँ या ना? हाँ, ये झूठ बोल रही है। वह झूठ बोल रही है। अगर वही कीचड़ में फंसी कार निकालने की कोशिश कर रही होती तो उसके कपड़े इतने साफ नहीं होते, कीचड़ जरूर कहीं ना कहीं लगा होता। जासूस मेहुल के पास आता है और कहता है उसकी बेटी का अपहरण हो गया है। मेहुल जिम्मी के घर आता है और वहाँ वह सब तीनों नौकरों से पूछताछ करता है। मैट, सर मैं छुट्टी पर थी और मैं आज के वापस आई हूँ, पर मुझे लगता है कि अपहरण में माली शामिल है। माली, सर मैं निर्दोष हूँ, कभी मैं घर के अंदर नहीं गया। ये सब कुछ कैसे हुआ, मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। कुक, सर मुझे कुछ पता नहीं है, मैं सबसे बहुत कम बात करता हूँ और खाना बनाता हूँ, और खाना बना के मैं फिर अपने घर चला जाता हूँ। जिम्मी कुछ देर बाद मेहुल को बताता है कि उसकी बेटी की फ़ोटो भेजी गई है और वह बहुत घबराई हुई नज़र आ रही है, कृपया उसे बचा लीजिए। क्या आप इन सुराग और तीनों बयानों को देखकर बता सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है, अपहरण में शामिल है? तो मैं आपको बता दूं, जिमी झूठ बोल रहा है। उसने जो फोटो दिखाई उसमें दीवार पर लगा कैलेंडर 28 फरवरी दिखा रहा है, जो कि लीप साल है। आज 1 मार्च है, इसका मतलब उसकी बेटी 2 दिन से गायब है और वह कहता है आज अपहरण हुआ है। मेहुल का एक पुराना दुश्मन मेहुल का अपहरण कर लेता है और उसे एक गोदाम में बंद कर देता है। मेहुल नज़दीक एक बम रखा है जो अगले 1 मिनट में फट जाएगा। मेहुल को एक कोड सुलझाना है जिससे वह बम को निष्क्रिय किया जा सके। क्या आप बम लगे कोड को देखकर उसे सुलझा सकते हैं जिससे बम निष्क्रिय हो जाए? तो आंसर आएगा 90। जेनी साफी से घर आती है तो उसे उसका पति मृत अवस्था में मिलता है। वो मेहुल के सहायक जेम्स को जांच के लिए बुलाती है। जेम्स को बताती है कि वह अपने पति से खुश नहीं थी। वह बहुत ज़्यादा खाता था और उसने अपना वजन भी बहुत बढ़ा लिया था, इसलिए आज मैंने निश्चय किया था कि आज से उसका डाइट प्लान बंद कर दूंगी और अपने सुबह उसे खाने के लिए सेव दिया और मैं वापिस चली गई। और जब मैं शाम को वापस आई तो मैंने उसे मरा हुआ पाया और सेव बिल्कुल नहीं खाया है। अभी नौकर से पूछताछ करता है। मैं, सर आज डाइट पर थे इसीलिए मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया और मैं चली गई। माली, आज काम पर नहीं आया था तो मुझे कुछ पता नहीं है सर। हाँ, जेनिस का अफेयर था।
जेनिस, माली झूठ बोल रहा है। मुझे लगता है कि हत्या माली ने की है, क्योंकि पहले भी कई बार चोरी किया है और पकड़ा भी गया है। इन सभी के बयानों को सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं जेनिस के पति का हत्यारा कौन है? जेनिस, मेड, माली, इसमें से कौन? तो जेनिस है। जेनिस का बयान था कि वो सुबह से सेव खाया नहीं है। अगर वो सुबह से सेव कटा होता तो अब तक वो सेव लाल हो गया होता। एक ट्रेन में बहुत सारे लोग बिना टिकट सफ़र कर रहे थे। टीटी ने तय किया कि सरप्राइज टिकट देकर इन लोगों को पकड़ा जाए। टीटी सैम से टिकट पूछता है। सैम कहता है, मैंने टिकट लिया था पर हमारे सामने वाले यात्री ने अचानक खिड़की खोल दी और मेरी टिकट मेरे हाथ से हवा में उड़कर बाहर चली गई। क्या सैम टीटी से झूठ बोल रहा है, हाँ या ना? तो सेम झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा था। चलती ट्रेन में हवा बाहर से अंदर की ओर बहती है तो टिकट उड़कर बाहर कैसे चली जाएगी? एक रात एक चोर एक घर में चोरी करता है। अगली रात वह दो घरों में चोरी करता है और चौथे दिन वह चार घरों में चोरी करता है। इंस्पेक्टर जेम्स बहुत बार उसे पकड़ने की कोशिश करता है परंतु वह पकड़ा नहीं जाता है। जेम्स मेहुल को अपनी मदद के लिए बुलाता है। मेयर उन घरों के नक्शे को गौर से देखता है जहां चोरी हुई है और यह बात तय थी कि आज भी पांच घरों में चोरी होगी। कौन सा वो पांच घर है, आप देख कर बताएं। वाले घर में चोरी होगा कि जिस घरों में चोरी हुई थी वह रोमन नंबर के पैटर्न से बने थे। नक्शा नंबर 3 के पांच घर भी इसी प्रकार रोमन पैटर्न से बना है। माल वहां पे लगातार चोरी हो रही थी। माल का मालिक चोर को पकड़ने में नाकाम रहता था। जासूस मेहुल को चोरियों की जांच करने के लिए बुलाता है। मेहुल पिछले 3 दिनों से सीसीटीवी फुटेज की जांच करता है। चोरी हो रही थी, चोर इनमें से एक ही हो सकता है। उन 3 दिनों के फुटेज इस प्रकार है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। फुटेज देखकर बता सकते हैं चोर कौन है। क्योंकि डी वाला चोर है। पहले दिन डी की बाई आंख पर पट्टी थी। दूसरे दिन वह पट्टी दाई आंख पर चल लगी है और तीसरे दिन पट्टी फिर बाई आंख पर लगी है।